दर्शकों का स्वागत है जी साडे एंटरटेनमेंट जोन दे विच। डेरा मुखी जदों पैरोल ते सी तां उस वेले उन्हां दे सोशल मीडिया ते की गतिविधियां नज़र आईयां। करीब एक महीने की पैरोल तो बाद डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की रोहतक की सुनारिया जेल विच वापसी हो चुकी है। गुरमीत राम रहीम साधवियां नाल बलात्कार अते पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल मामले विच रोहतक की सुनारिया जेल विच बंद हन। 17 जून नूं उन्हां नूं एक महीने की पैरोल मिली सी अते इह समां उन्हां उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम विच बतीत किया। एक महीना डेरा मुखी इस आश्रम विच रहे अते इत्थों ही वापस जेल चले गए। पैरोल दौरान गुरमीत राम रहीम अपने पुराने रंग विच दिसे। डेरा मुखी दे वख-वख सोशल मीडिया उत्ते नज़र पाई जावे तां उह खेड दे मैदान, गीत गाउंदे अते रंग बिरंगियां पोशाकां विच नज़र आए। YouTube चैनल उत्ते सत्संग तो इलावा उन्हां एक गीत भी लॉन्च किया। इस दौरान डेरा मुखी श्रद्धालुआं नाल ऑनलाइन रूबरू भी हुई। हालांकि जिस समय डेरा मुखी नूं पैरोल दिती गई सी उसकी टाइमिंग काफ़ी अहम सी, क्योंकि 23 जून नूं संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लई वोटां पैणियां सन। उस समय श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने इस पैरोल का विरोध भी किया सी, पर हरियाणा सरकार की दलील सी कि नियमों मुताबक ही डेरा मुखी नूं पैरोल दिती गई सी। पैरोल दौरान राम रहीम दियां ऑनलाइन गतिविधियां की सन? गुरमीत राम रहीम ने यूट्यूब चैनल संत MSG उत्ते लाइव सत्संग किए। अपने विचारों तो इलावा गुरमीत राम रहीम ने संगत की महफिल भी लगाई जिस विच उन्हां कई गीत सुनाए। सोशल मीडिया उत्ते उन्हां दा एक गीत इश्के दी झांजर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस तो अलावा वह रोजाना यूट्यूब उत्ते लाइव भी होंदे रहे। सब तो पहला 17 जून नूं गुरमीत राम रहीम अपने इंस्टाग्राम संत डॉक्टर MSG उत्ते एक वीडियो जारी करते हैं जिस विच ओ नकारात्मक सोच उत्ते गल करते हैं। 29 जून नूं गुरमीत राम रहीम अपने पुराने अंदाज विच आउंदे हन अते वॉलीबॉल खेडते हुए इंस्टाग्राम उत्ते नज़र आउंदे हन। 4 जुलाई दे वीडियो विच ओ बैडमिंटन खेडते दिस रहे हैं। खेडां तो अलावा गुरमीत राम रहीम अपने स्टाइलिश कपड़ियां विच भी नज़र आए। घोड़े अते कुत्तियां नाल भी उन्हां अपनियां वीडियो जारी की। इंस्टाग्राम उत्ते ही डेरा सिरसा मुखी हनीप्रीत दे नाल भी नज़र आए। 17 जुलाई नूं गुरमीत राम रहीम इंस्टाग्राम उत्ते हनीप्रीत दे नाल लाइव भी हुए। इस दौरान उन्हां अपने श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब भी दिते। लाइव दौरान राम रहीम नूं किसी ने पूछा कि हनीप्रीत नूं नाल क्यों बिठाया है, तो डेरा मुखी ने जवाब दिता कि बाप दे नाल जेकर बेटी बैठी है तो किसी नूं कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस तो बाद डेरा मुखी फिर बोलते हैं कि श्रद्धालुओं की मंग सी, इस करके हनीप्रीत नूं लाइव विच नेड़े बिठाया गया है। इस तो बाद 18 जुलाई नूं ओ वापस सुनारिया जेल चले गए। इस तो बाद उन्हां दे सोशल मीडिया अकाउंट उत्ते कोई गतिविधि फिलहाल नज़र नहीं आई। जेल अधिकारियों दीआं दलीलां रोहतक दी सुनारिया जेल दे अधिकारियों मुताबक राम रहीम जेल विच परत आए हन अते पैरोल दौरान उन्होंने कोई अजिही गतिविधि नहीं कीती जो नियमां दे उल्ट होवे। अधिकारियों मुताबक ना ही UP पुलिस ने अजिही कोई रिपोर्ट जेल अथॉरिटी नूं भेजी है। नाम ना छापण की शर्त उत्ते जेल अधिकारी ने दस्या कि नियमों मुताबक डेरा मुखी नूं एक महीने की रेगुलर पैरोल दिती गई सी अते उत्तर प्रदेश सरकार वल्लों NOC मिलण तो बाद ही वो जेल तो बाहर आए सन। श्रद्धालु होए खुश। डेरा सिरसा ने दावा किया है कि ऑनलाइन तरीके नाल डेरा मुखी के रूबरू होने नाल श्रद्धालुओं नूं उत्साह मिलिया है। सिरसा स्थित डेरे दे श्रद्धालु दविंदर सिंह ने कहा कि ऑनलाइन सत्संग दौरान 1 लाख श्रद्धालु जुड़ते सन। दविंदर सिंह मुताबक डेरा मुखी ने नवे कारज शुरू करन लई श्रद्धालुओं नूं आदेश दिते हन जिस विच हर एक घर विच तिरंगा लगाउणा है जिसका मकसद देश की आन बान ते शान नूं उच्चा रखना है। इस तों अलावा स्वच्छ भारत मुहिम नूं होर वधाउण लई आख्या है। डेरा सिरसा नाल संबंधित श्रद्धालु सतीश बंसल मुताबक डेरा वल्लों पहला ही 140 समाज भलाई दे काम किए जा रहे सन जिन्हां नूं हुण वधा के 142 कर दिता गया है। उन्होंने दस्या कि डेरा मुखी वल्लों वातावरण नूं बचाउण लई पहलां तो ही रुख लगाउण दा सिलसिला जारी है अते उस विच होर वाधा किया जा रहा है। इस तों अलावा वड्डे शहरां अते वड्डियां सड़कां दे कंढे हुण मोबाइल पखाने भी बनाए जाणगे। सो इहो जिही जरूरी जानकारी लई तुसीं जुड़े रहना साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।